Verdade.
चलो जितने भी आ गए। पहला टॉपिक है बेटा आज का, हमारे को एक मैट्रिक स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे नया बनाना है। सो न्यू फ्रॉम ओल्ड बोलता हूँ मैं इसको। इसमें एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं आप, न्यू फ्रॉम ओल्ड बोलते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं नोट? इफ डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, इफ डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, इट इज ऑलवेज पॉसिबल इज ऑलवेज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑन एक्स। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एलिमेंट, लेट हमें दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, वी आर गिवन एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब है डी एक डिस्टेंस फंक्शन है, वो मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर। एंड लेट अनदर मैट्रिक्स डी स्टार अ फंक्शन डी स्टार एक्स वाई व्हिच इज इक्वल टू द लैम्डा टाइम्स डी एक्स वाई। सो डी एक्स वाई इज योर ओल्ड एंड डी स्टार इज योर न्यू, वे लैम्डा इज सम स्केलर व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो। सो वी हैव टू शो, सो न्यू फ्रॉम ओल्ड आई वी हैव टू शो एक्स डी स्टार इज अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी स्टार इज तो ऑलरेडी डी एक मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, तो व्हाट इज गिवन टू अस इज प्लीज सी हियर, वी आर ऑलरेडी गिवन इन दिस दैट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। सो वंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस ऑल फोर प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई वी नो दैट इज इट इज नॉन नेगेटिविटी, it means our dxy should be greater than equal to 0 for all xy. This is also given to us. M2 is also given that dxy is always 0 if and only if x is equal to 1. Symmetricity is also given because it is a metric space. M3 dxy will be same as dyx. M4 the triangle inequality, the dxy is less than equal to dxz plus dzy for all x, y and z belongs to x. So this is given to us and we have to show that xd star is a metric space. ये बातें हमें पता है क्योंकि हमें एक already metric दिया हुआ है, new from old की बात हो रही है, and this is a very easy example we are solving. So we have to show xd star is a metric space. The new from old का मतलब ये था, where d star is a function which is lambda times dx1. So m1 we have to show that d star xy should be greater than equal to 0 for all x. ये शो करना है तो हमें गिवन है मेरे बेटा, वी आर गिवन दैट डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई, यस दिस इज गिवन। सो इफ यू मल्टीप्लाई सम लैम्डा टू इट, इट इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। सो देयरफॉर कैन वी राइट दैट डी स्टार अ न्यू मैट्रिक x y is greater than equal to 0 for all x y, yes. We have m2
the coincidence property, we have to show again that D star XY should be equal to 0 if and only if DXY is equal to 0. Oh, X. If and only if X is equal to Y. We show karna. Okay, let's do. Hame pata hai ki DXY 0 hai. This is given to us. Kyun 0 hai? Kyunki XY ke barabar hai. So therefore, lambda times DXY is also 0. For all x is equal to y, yes. जब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो जीरो ही होगा बेटा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिसिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी. हमें शो करना है फिर से वही कि d star xy is equal to d star yx and it is quite easy for all xy belongs to x. हमें पता है कि डी एक्स वाई बराबर होता है डी वाई एक्स के, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये बात हमें पता है. तो लेट अस मल्टीप्लाई लैम्डा बोथ द साइड्स. सो इट मींस न्यू मैट्रिक्स डी स्टार एक्स वाई इज आल्सो सेम एज डी स्टार y, m4, the triangle inequality. So we have to show again that d star xy is less than equal to d star xz plus d star z. We are given that DXY is always less than equal to, because it is a matrix, XZ plus DZY for all XYZ belongs to X. Can we multiply lambda all the sides, both the sides? So we got DXZ plus lambda times DZ. We got the answer. Jo chahiye tha wo mil gaya. तो ये बहुत इजी सा एग्जांपल था, जस्ट कि लिखेंगे कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो न्यू फ्रॉम ओल्ड था. लेट्स डू अ गुड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा करते हैं न्यू फ्रॉम ओल्ड. सर वैसे इसकी कोई थ्योरम भी होती है, जस्ट एग्जांपल जी? हेलो आमिर. हाँ जी, हाँ जी, क्या सर वैसे इसकी कोई थ्योरम भी होती है, जस्ट एग्जांपल्स ही होती हैं इसके अंदर? एक सेकंड बताता हूँ बेटा, एक मिनट. हाँ जी, हाँ जी, आमिर क्या कह रहे थे आप? क्या टाइमिंग क्या नहीं दिख रहा है उसमें? हाँ, कॉन्सेप्ट टाइमिंग कहाँ से भाई, कॉन्सेप्ट डाल दिया उसके अंदर मैंने भाई. अगर मैंने खुद डाला यार, पॉइंट एस्टिमेशन अगर चैप्टर है उसके अंदर सब टॉपिक्स डाल दिए सारे मैंने. जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने कोई डाला ही नहीं है इस बार, पॉइंट एस्टिमेशन और रैंडम वेरिएबल डाला है मैंने. इसमें होगा ही नहीं यार, मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा फिर. नहीं, मैं करता हूँ उसको, ठीक है, मैं क्लास खत्म होने के बाद करता हूँ. ठीक है, ठीक, हाँ जी, ठीक, ओके, ठीक, ओके. सॉरी बच्चों, एक मिनट. हाँ, आप क्या पूछ रहे थे बेटा, बोलो दोबारा से प्लीज. सॉरी, ये जो आपने न्यू फ्रॉम ओल्ड बताया कि हम बना सकते हैं, तो इसकी कोई थ्योरम भी होती है, जस्ट एग्जांपल्स ही हैं इसमें? ये सारे इसमें कोई थ्योरम नहीं है इस चैप्टर में बेटा, सारे क्वेश्चंस ही हैं इसमें सारे. ओके ओके ओके, हाँ
इसमें सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, थ्योरम कोई नहीं है चैप्टर के अंदर। न्यू फॉर ओल्ड का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है बेटा, एग्जाम्पल नंबर टू। कहता है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, हमें ऑलरेडी गिवन है एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, एंड ई बी अ न्यू मैट्रिक्स एक्स क्रॉस एक्स टू आर, वेयर ई एक्स वाई, मैंने डी स्टार नहीं लिया इस बार, ई कर दिया उसको, डी एक्स वाई। ई जो फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन, वो ये फंक्शन है, और इसमें जो d है बेटा वो ऑलरेडी एक मैट्रिक्स स्पेस है। सो आपको शो करना है, यू हैव टू शो बेटा x e इज अ मैट्रिक्स स्पेस। x e मैट्रिक्स स्पेस एंड दिस इज द डिस्टेंस फंक्शन, द न्यू डिस्टेंस फंक्शन वी हैव दिस। तो देखो m1, तो सबसे पहले तो मुझे शो करना है, वी हैव टू शो कि e एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये शो करना है, लिखा टू शो लिखा है मैंने, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो बड़ा आसानी से शो हो जाएगा बेटा। हमें गिवन है कि डी एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, तो डी एक्स वाई भी जीरो से बड़ा बराबर होगा, और वन प्लस डी एक्स वाई भी जीरो से बड़ा बराबर होगा फॉर ऑल एक्स वाई। और ये बात हमें पता कैसे है, बिकॉज हमें गिवन है, क्योंकि एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है वो गिवन है। So therefore, can we write therefore EXY, which is equal to DXY upon 1 plus DXY, should be greater than equal to 0? Yes. So ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, समझ में आ गया ना बेटा? ये क्यों हो गया? Yes sir. Because we are given XD is a metric space. हमें given है XD is a मैट्रिक स्पेस। जो आपकी जो बुक है, जिस बुक से आप सारा कोर्स कर रहे हैं, मिशेल और सिरोसिड है वो बुक का नाम, तो सारा उसमें कोर्स वर्स सब मैं भेज दे रहा हूँ आज आपको, नोट्स भी आ जाएंगे उसमें। एम टू देखें जरा, M2 मतलब हमें क्या शो करना है, देखो प्लीज ध्यान से, हमें शो करना है कि EXY EXY will be zero if and only if X is equal to Y। EXY zero है अगर XY के बराबर है मेरे बेटे, ठीक है? तो ध्यान से देखें प्लीज, ये शो करना है, और हमें ऑलरेडी गिवन है कि DXY भी जीरो है if and only if x is equal to y, ये given है हमारे को ये बात, this is given to us। अब जरा इस step को देखना थोड़ा सा, देखना मैं EXY लिख देता हूँ बेटा, हमारा EXY किसके बराबर है बेटा, DXY upon 1 plus DXY। तो बताओ ये zero कब होगा मेरे बेटा, ये zero तब होगा जब DXY zero होगा बेटा, yes। और हमें तो गिवन है DXY जीरो है क्योंकि XY के बराबर, तो कैन वी कंक्लूड बेटा कि EXY भी जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ X इज इक्वल टू Y बेटा। नहीं समझे क्या भाई, ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा बेटा, जब ये DXY जीरो हो जाएगा, तो इफ एंड ओनली DXY जीरो, DXY जीरो है व्हेन X इज इक्वल टू Y व्हिच इज गिवन टू अस। सो M3 इट्स इजी, यू कैन डू M3, द सिमेट्री बोलते हैं उसको बेटा। सो वी हैव टू शो, हाँ चैप्टर वन थोड़ा इजी है, बड़ा चैप्टर बहुत है लेकिन इजी चैप्टर थोड़ा। वी हैव टू शो दैट ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, बहुत इजी। देखिए हमें पता है, वी आर गिवन दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स for all x y belongs to x, therefore dxy को divide कर देते हैं 1 plus dxy,
और डी वाई एक्स को डिवाइड कर देते हैं वन प्लस डी वाई एक्स, यस। तो इसको बोल देता हूँ मेरे बेटा मैं ई एक्स वाई, और इसको बोल देता हूँ ई वाई एक्स, और ऑन एक्स वाई, ये इजी है। भी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी होती है हमेशा जिसमें ध्यान देना होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है, हमें शो करना है, क्या शो करना है ये समझना पड़ेगा आपको। ये हमें शो करना है कि ई एक्स वाई छोटा बराबर है ई एक्स जी प्लस ई जी वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। हाँ, तो मतलब हमें ये शो करना है, थोड़ा और खोल के लिख रहा हूं मैं इसको। ई एक्स वाई का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई। बस इसी स्टेप को ढंग से समझना होता है, हमें छोटा बराबर दिखाना है डी एक्स जेड अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन वन प्लस डी जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। नाउ आई स्टार्ट, वी आर गिवन, व्हाट वी आर गिवन प्लीज चेक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं। डी एक्स वाई हमेशा छोटा बराबर है क्योंकि एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, हमें गिवन है। सो डी जेड वाई से, हाँ, इसमें मैंने वन ऐड कर दिया इस तरह, सो वन प्लस डी एक्स वाई इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई मेरे बेटा, राइट। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ बेटा, वन अपॉन कर देता हूँ इसको, ये कैच है यहाँ पर, ये मैं चेंज कर देता हूँ कलर, I'll write one upon। तो one upon करने से ये greater than equal to का साइन आ जाएगा मेरे बेटा, so one upon, right, one plus d x z plus d z। अब मैं दोनों तरफ से one minus कर देता हूँ बेटा, minus पहले तो minus का साइन लगाता हूँ, minus बाद में, one बाद में लगाता हूँ, let's put minus here। वन अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस, लगती है मेरी बेटा ये वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई बेटा। नाउ आई एड वन बोथ द साइड्स, ओके, एंड नाउ आई टेक एलसीएम। इफ आई टेक एलसीएम व्हाट आई गेट इज वन प्लस डी एक्स वाई माइनस वन, आई विल गेट दिस डी एक्स वाई अपॉन 1 plus dxy, is this correct? यही मिलेगा बेटा, और ऊपर मिलेगा मेरे बेटा कि dxz plus dzy, चेक कर लो भैया मैं सही बोल रहा हूँ क्या, देख लो 1 plus dxz plus dzy। हाँ जी बच्चों, yes sir। अब ध्यान से, अब थोड़ा फिर से ध्यान से, लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूं। अब ये dxz ही dxz है, अगर मैं इसको हटाऊंगा, डिनोमिनेटर को रिमूव करता हूं, तो नंबर और बड़ा होगा ना बेटा, बेटा डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, जीरो से बड़ा होता है। यस सर। तो अगर मैं z पहले वाले टर्म में zy को हटा दूं, क्या मैं, कैन आई राइट, पहले मैं स्प्लिट कर देता हूं फिर बाद में हटाता हूं, चलो 1 प्लस dxz प्लस dzy प्लस डी जेड वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई बेटा। अब हटाता हूं, अब मैं डी जेड वाई डिस्टेंस इसको हटाता हूं, तब भी तो इनइक्वालिटी यही रहेगी, साइन तो यही रहेगा इसका, वो तो बराबर का साइन लिखना चाहिए था मुझे यहां पर, तो ऊपर वाले के बराबर है, अब बड़ा बराबर का साइन लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं जेड वाई को, सिर्फ एक्सजेड रख रहा हूं, और यहां से रिमूव कर रहा हूं एक्सजेड को, तो सिर्फ जेड वाई रख रहा हूं। सो देयरफॉर वी गॉट दैट ई एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू मेरे बेटा ई एक्स जेड प्लस ई जेड वाई। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, द ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
आया समझ में कि नहीं? मेन इसका मेन फोर्थ ही था बेटा, बस इसमें मेन तो ध्यान देने वाली बात फोर्थ की थी कि हमें गिवन था dxy, हमने 1 प्लस किया, रेसिप्रोकल किया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर 1 ऐड किया, सो दैट वी गेट दिस एक्सप्रेशन। एक बार ये एक्सप्रेशन आ जाएगा तो राइट हैंड साइड में तो ले ही आएंगे एक्सप्रेशन। सो दैट्स हाउ वी हैव डन। बुक में इसको e की जगह पे लिखा हुआ है, d स्टार भी लिखा है, सो d स्टार लो e लो, बात देखिए नया मैट्रिक बनना चाहिए, कहने का मतलब ये न्यू फ्रॉम ओल्ड का क्वेश्चन था। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आता है। भावना यस सर, आई हो, तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं वेग सर के साथ क्या अभी भी? यस सर चल रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाता हूं मैं इस पे, इसके बिना पेपर बहुत कम बनता है, आपका इस बार पेपर हुआ नहीं वरना तो पता चलता। ये कहते हैं द डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, इस बार तो होगा पक्का नहीं बेटा? यस सर होंगे इस बार तो। अब देखो ना जाके, मुझे तो लगता नहीं कहीं पे भी अब कोरोना कोई मान रहा है, मतलब सिर्फ फैमिली में लोग हैं, बच्चे बच्चों को निकलने नहीं दे रहे, अदरवाइज बाकी लोग तो रोड पे, तो ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली ने कोरोना को हरा दिया हो। सर लोग मजे से घूम रहे हैं। हाँ सच में सर, थक गए हैं लोग, इससे थक गए हैं, कितना सुने इसका भी। यार हमारे यहाँ भुरु चाट कॉर्नर वाला है, चाट पकौड़ी खा रहे हैं सब लोग, अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है मुझे लगता है, थोड़े दिन में मुझे लगता है सितंबर तक तो हद मार के कॉलेज खुल जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा मुझे लगता है। हाँ सर, पर कॉलेज स्कूल्स की नहीं कह सकते ना कुछ भी। सर इस बारे में से चांसेस कम है स्कूल्स और कॉलेजेस का। अच्छा, कह रहे कि इस साल शायद ना खोलें, अभी पता नहीं, नवंबर दिसंबर में जाके खोल सकते हैं शायद। अरे भाई बस बुरा हाल है, बहुत नुकसान हो गया है, बस डिप्रेशन में आ गए हैं लोग। मैं भी आज अपने बच्चों चिल्ला के आया हूं, मैं गधों पढ़ लो क्यों अपने करियर के साथ खेल रहे हो, पर बेचारे फोन फोन पे लैपटॉप पे पीसी पे इन पे कहाँ पढ़ाई हो रही है इनकी बच्चों की इतनी। बड़े तो चलो बच्चे समझदार होते हैं पढ़ लेते हैं, छोटे बच्चा कैसे पढ़ेगा? यस सर नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। मेरे को तो लगता है मैं यार फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं तो ऑफिस आया था इससे अच्छा हमको देखने से अच्छा स्कूल बच्चे चले जाते थे, माओं को कितनी शांति मिलती थी यार, ना बेचारे खेलने के ना कुछ। समझाता हूं बेटा, ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है बेटा। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या कहता है, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से आप लोग। देखो अगर तुमने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन तुम उसे मेजर नहीं कर पा रहे, तो अगर तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो तुम एक्स से उठ के किसी ना किसी नई लोकेशन पे गए हो से वाई, तो एक्स और वाई इसका मतलब बराबर नहीं है, तो अभी असाइन द वैल्यू 1। आपने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, आप वहीं के वहीं है, जो एक्स है वही वाई है, तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, असाइन द वैल्यू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि समटाइम्स वी कैन नॉट मेजर, हम कई बार मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डिस्टेंस को यहां पर इंडिकेटर फंक्शन के रूप में दिया गया है। इंडिकेटर फंक्शन का मतलब कि या तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया, सो वी असाइन द वैल्यू 1 और 0, तभी इसको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस बोला गया। तो अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वी असाइन द वैल्यू 1, नहीं किया है तो इट्स 0, सो दिस इज द डिस्टेंस फंक्शन। अब हमें बताना है क्या डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? ये तो डेफिनेशन है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है, डेफिनेशन है उसका। क्या ये बात समझ में आई? इंडिकेटर फंक्शन, अब जैसे मान लो अटेंडेंस देनी है मुझे, भावना क्लास में आई कि नहीं आई, आई तो बेस ऑन द वैल्यू 1, नहीं आई तो 0, वी कांट क्वांटिफाई इट। तो ऐसे ही डिस्टेंस में ट्रेवल किया अगर एक्स वाई के बराबर है
तो वी असाइन द वैल्यू जीरो क्योंकि कोई डिस्टेंस टेबल नहीं हुआ, एक्स वाई के बराबर नहीं है, वी असाइन द वैल्यू वन। तो ये डिस्क्रीट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी पूछता है, पांच नंबर का क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा शो दैट एक्स डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। नॉर्थ वाले बच्चे भी हैं क्या इसमें? नहीं है, कोई भी नहीं है नॉर्थ वाला। पता नहीं नॉर्थ वाले बच्चे मुझसे पढ़ना क्यों नहीं चाहते एनालिसिस। वेग सर के फैन हो रखे हैं वो लोग, है ना? वेग सर पढ़ाएंगे, एलजेब्रा पढ़ा देंगे, एलजेब्रा। तो जी सबसे पहले M1, पहले बात बताओ डिस्टेंस ये तो वन है या जीरो है? तो ये तो बाय डेफिनेशन डी एक्स वाई क्या जीरो से बड़ा बराबर है? यस इट इज ट्रू, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस या तो डिस्टेंस वन है या जीरो है, तो हर हालत में जीरो से बड़ा बराबर ही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। एंड दिस कोइंसिडेंस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय द डेफिनेशन। वो कहता है डी एक्स वाई जीरो है, बताओ डेफिनेशन देख के ऊपर जीरो कब है? जब x is equals to y. This is again by the definition. This is also true, मेरे बेटा. M3 symmetry है. Either you write dxy or you write dyx. The definition will always remain same for the discrete metric space. It is one or zero if x is not equal to y and x is equal to y. The distance function will remain same. It will not going to change. But the important point is M4, the triangle inequality. This is important. ये समझने के लिए ही क्वेश्चन आता है पेपर में। कहते हैं let x, y and z belongs to x, और हमें शो करना है कि dxy is less than equal to dxz plus dzy. ओके जी, शुरू करते हैं। तो अब शुरू करने के लिए हमें केसेस लेने पड़ रहे हैं भाई। तो इसको मान लेता हूं मैं, कलर कर देता हूं इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, और ये पूरे को मान लेता हूं मेरे बेटा राइट हैंड साइड। दिस ऑल इज राइट हैंड साइड, आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस क्या हो सकता है? ये तो वन हो सकता है मेरे बेटा, ये समझाने के लिए बात बोल रहा हूं मैं सिर्फ अभी। या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में ये डी एक्स जेड, ये डी एक्स वन भी हो सकता है जीरो भी, और ये भी वन भी हो सकता है और जीरो भी। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या क्या हो सकती है? सम है ना बीच में बेटा। राइट हैंड साइड कैन बी जीरो, वन, जीरो वन एंड टू, यस। बट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज या तो जीरो या वन। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं अपन को पहले तो रफ में ही? बट डिस्टेंस फंक्शन है डिस्क्रीट का बेटा, ये तो डिस्टेंस जीरो होगा या वन होगा, जीरो या वन। तो या तो जीरो हो सकता है, ये भी जीरो ये भी जीरो, या वन ये वन जीरो या जीरो वन, या वन वन तो टू, यही केसेस हो सकते हैं। तो केस वन, लेट्स स्टार्ट विद, हम केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट कहता है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड इज टू। पहले वाला केस टू ले लिया है, चलो। तो हमारी राइट हैंड साइड टू है, तो बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड हर हालत में छोटी बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड हर हालत में छोटी या बराबर होगी राइट हैंड साइड के कि नहीं? मुझे तो बराबर का साइन कहीं दिख नहीं रहा, छोटी होगी सिर्फ। यस सर, यस सर।
है ना बेटा, अगर राइट हैंड साइड टू है तो लेफ्ट हैंड साइड तो छोटा ही होगा ना हाथ में. सो देयरफॉर कैन आई राइट इन दैट केस दैट डी एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन व्हाट डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. केस टू, मान लो राइट हैंड साइड वन है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड छोटा या बराबर हो सकता है कि नहीं बेटा? हाँ जी बेटा, ये तो जीरो होगा, क्योंकि अगर मैं बताता हूं, समझाता हूं, इसमें समझना ही क्या है, सिंपल सी बात है. राइट हैंड साइड वन है, कब होगा वन राइट हैंड साइड बताओ. चलो ये जीरो, मैं बताता हूं कब वन होगा. ये जीरो, ये वन, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, राइट ना? पर ये तो हर हाथ में वन या जीरो रहेगा बस. हाँ, तो दोनों केसेस में तो कोई शक नहीं था हमारे पास. अब शक है इस लास्ट वाले केस में. तो इस केस में भी लिख देता हूं कि डी एक्स वाई जो होगा छोटा या बराबर होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. अब केस थ्री, राइट हैंड साइड जीरो है, तो राइट हैंड साइड जीरो कब है पहले तो ये बता दो. वो जीरो कब है? जब डी, जब दोनों ही जीरो है. हाँ, देखते जाओ, जब डी एक्स जेड भी जीरो है और डी जेड वाई भी क्या है बेटा? जीरो. और ये जीरो कब होगा बेटा? जब एक्स किसके बराबर होगा बेटा? वाई के, जेड के, जेड के. यस, एक्स जेड के बराबर और यहाँ जेड वाई के बराबर ना? वाई के बराबर. बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैटर स्पेस बेटा. तो फ्रॉम दीज टू डेफिनेशन क्या कंक्लूजन आ रहा है? एक्स किसके बराबर है भाई? एक्स जेड के बराबर भी है, जेड वाई के, तो एक्स किसके बराबर हो गया? वाई के. तो अगर एक्स वाई के बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी? बेटा एक्स वाई के बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ जीरो ही होगी ना बेटा, वन हो ही नहीं हाँ, सकती बेटा. लेफ्ट हैंड साइड फिर वन नहीं हो सकती कभी भी. राइट हैंड साइड जीरो तब होगा जब डी एक्स जेड भी जीरो है, डी जेड वाई भी जीरो. और ये जीरो कब है? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैटर स्पेस, जब एक्स जेड के बराबर है, जेड वाई के बराबर. एंड फ्रॉम दीज टू आई गॉट टू नो दैट एक्स इज इक्वल टू वाई. तो अगर एक्स वाई के बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा जीरो ही होगी. सो इन दैट केस डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं. आ गया सर. So from all three cases, can we conclude the triangle inequality? तीनों केसेस से रिश्ता यही तो आ रहा है कि डी एक्स वाई या तो छोटा है या बराबर है, या छोटा बराबर है. कभी भी बड़ा वाला साइन तो आया ही नहीं. For all x, y, z, देख लो एक बार फिर से प्लीज. ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट की, या तो डिस्टेंस वन होगा या जीरो होगा मेरे बेटा, जब एक्स वाई के बराबर हो. ये डेफिनेशन है. फिर कहता है शो करो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं. पहली तीन तो आपको समझ में आ गई है, चौथी समझनी है. चौथी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बांट लिया हमने इसको. लेफ्ट हैंड साइड ये तो जीरो हो सकता है वन, और राइट हैंड साइड जीरो भी हो सकता है वन भी और टू भी. अगर राइट हैंड साइड टू है तो लेफ्ट हैंड साइड हर हालत में लेफ्ट हैंड साइड से हालत में राइट साइड छोटा होगा, वो बता दिया. अगर वन है तो लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम वन हो सकता है, या जीरो तो बराबर भी हो सकता है. अगर जीरो है तो फिर केसेस है, तो राइट हैंड साइड जीरो कब होगा? जब दोनों का सम जीरो होगा. दोनों का सम जीरो कब होगा? जब दोनों इंडिविजुअली भी जीरो होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में नंबर नेगेटिव तो आ नहीं सकता ना बेटा. डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं, या तो जीरो है वन है. Yes, sir. तो ये हो गया डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आपका. नेक्स्ट, न्यू फ्रॉम ओल्ड बताया, डिस्क्रीट ये बताया. नेक्स्ट एग्जांपल, वन थ्री फोर.
कहता है वी डिफाइन अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन जीरो टू वन. This C01 is a set of real valued continuous functions. Set of real valued continuous functions. On 01. So this is a distance function, DFG, F or G, two functions here. Instead of xy, that this is the supremum of belongs to this interval mod f of x minus g of x. This is the distance function. हमें क्या show करना है कि DFG is a metric space या या यू भी कर सकते हैं सी डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस. वो सेट सी हो गया ना हमारा. या ऐसा भी लिख सकते हैं सी ना लिख के वो मॉड में एफ ऑफ यू है या एफ ऑफ एक्स है. एक सी है बेटा, वो मेरी राइटिंग अंदर है थोड़ी सी, इस पे फिसलता है हाथ का. इज अ मैट्रिक्स स्पेस, ये प्रूव करना. मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने से पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेप वन के फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल, तो उनका डिफरेंस या सुप्रीमम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, ये बात बतानी पड़ेगी. सो स्टेप वन, वी मस्ट सबसे पहले पांचों चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है. सो वी मस्ट फर्स्ट शो दैट डी एफ जी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट for all f and g belongs to C01. तो DFG exist करता है for all f and g exist. हाँ चलो शुरू करते हैं. तो f और g हमें तो continuous function दिए हुए 07 में, तो बड़े सिंपल सी बात, अगर f और g continuous है तो उनका difference भी continuous होगा by algebra, उनका modulus भी continuous होगा by algebra. हाँ जी, yes sir, yes sir. और एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी इज बाउंडेड. बोलो बेटा. सर हाँ जी सर. बेटा हमें जो फंक्शन दिए हैं कॉन्टिन्यूस दिए हैं क्लोज इंटरवल में, तो अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस तो डिफरेंस कॉन्टिन्यूस तो मॉडुलस कॉन्टिन्यूस, तो मॉडुलस कॉन्टिन्यूस तो वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा बिकॉज वो क्लोज इंटरवल ए बी में है. सो अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम जरूर होगा. अरे बोलो बेटा. यस सर यस, बाउंडेड है तो फिर अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे. हाँ तो सुप्रीमम भी होगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, यही बात मैं लिख देता हूँ. उसके बाद आप इसकी बाकी चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं. तो एफ जी बिलोंग्स टू C01, तो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी है फिर तो. उसके बाद इसका मतलब एफ and g be continuous on 01, right? This implies f minus g is also continuous on 01, right? It means f minus g is bounded on a closed interval 01. So this means mod f minus g is bounded on 01. So this means supremum of mod f minus g exists and finite.
exist and finite. So it means हमने prove कर दिया कि DFG exist करेगा और finite है. तो आप लोग कोशिश करें ये बताने की कि चारों properties verify होंगी कि नहीं होंगी. हो जाएंगी, बड़ी easy है. करो चारों properties verify. M1, M2, M3. M1, M2, M3 तो फटाफट हो जाती हैं. नहीं होगी तो मैं कराऊंगा. M4 का वेट कर रहा हूं मैं. सर आपका माइक म्यूट है. टू शो डीएफजी इज लेस देन इक्वल टू डीएफएच प्लस डीएचजी. और ये बहुत इजी है क्योंकि मॉडुलस है हमारे पास. तो इसमें एड सब्ट्रैक्ट एच कर दो आप. लास्ट जब क्लासेस खत्म हुई थी तो हम इसी पे पढ़ते थे ना, इस पे ही. यस सर. तो सुप्रीमा मॉम H माइनस G वो तो गया. बस एक ही ट्रिक थी इसमें, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है ये बताना जरूरी था बस. बाकी तो M1, 2, 3 तो बहुत इजी है. M4 ही करना था मैंने. जब M4 इतना इजी है तो बाकी तो इजी है ही. देखो जी नेक्स्ट. कहता है XD मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है हमारे को. बी अ मैट्रिक्स स्पेस. तो ई एक नया मैट्रिक है. EXY जो है न्यू फ्रॉम ओल्ड वाला यही इज मिनिमम ऑफ वन कॉमा DFY टू शो
X E is a matrix space. ये आपका होमवर्क है, कोशिश करनी है करने की, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो हम तो करा ही देंगे या करा दूं। करा ही देता हूं एक बार, आप पहला M1 M2 M3 करने की कोशिश करो एक बार, होमवर्क तो बहुत क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहले M1 हमें शो क्या करना है कि EXY 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए, वो तो पता ही है, वी नो दैट DXY 0 से बड़ा बराबर है और 1 तो 0 से बड़ा ही है, सो देयरफॉर जो भी इनमें मिनिमम होगा 1 और DXY में वो जीरो से बड़ा बराबर ही होगा मेरे बेटा, चाहे वन हो चाहे जीरो हो। Therefore we can write EXY जीरो से बड़ा बराबर। M2 फिर है हमारा क्या कोइंसिडेंस, EXY 0 होगा कब, जब मिनिमम ऑफ 1 कॉमा DXY 0 होगा, और वो 0 कब होगा जब DXY 0 होगा, क्योंकि 1 तो 0 हो ही नहीं सकता और DXY 0 हमें गिवन है क्योंकि XY के बराबर है। M3 EXY को आप ले सकते हैं मिनिमम 1 comma DXY, उसको ले सकते हैं मिनिमम ऑफ 1 comma DYX। तो इसको ले सकते हैं EYX और XY belongs to X। M4 जे ट्राई तो करो थोड़ा सा, वी हैव टू शो EXY लेस देन इक्वल टू EXZY for all XY Z belongs to case 1. केस वन है इफ आइदर EXZ और EZY इज 1, या तो EXZ 1 हो सकता है या EZY 1 हो सकता है, आइदर लगा दिया इसमें, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, इस पूरे को राइट हैंड साइड बोल देते हैं। सो इन दैट केस राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। कैसे बताओ, क्योंकि EXY तो मिनिमम ऑफ 1 और DXY है ना, DXY 0 होगा मिनिमम में तो, हाँ तो ये जीरो हो गया तो जीरो लेस देन इक्वल टू 1 है तो जीरो होगा या 1 होगा, नहीं समझ में आया आपके बात। EXY होगा मेरे बेटा वही सेम केस 1 comma DXY, तो डिस्टेंस अगर जीरो है, अगर मान लो जीरो है और या फिर और कुछ भी है, तो जीरो है तो मिनिमम जीरो आ जाएगा ओके,
और कुछ है, मान लो फोर है तो मिनिमम वन आएगा, तो जीरो या वन आएगा ना, या वन बाय टू होगा तो वन बाय टू आएगा, या मैक्सिमम वन आएगा। और राइट हैंड साइड में भी ये तो जीरो होगा या वन होगा, ज्यादा कोई आ नहीं सकता। हाँ, तो ये इनइक्वालिटी ऐसी जाएगी, तो वो समझोगे ना नंबर डाल के तो आप समझ में आ जाएगा आपको ये बात। तो राइट हैंड साइड तो बड़ी होगी होगी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो सम है ना दो का। लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन, केस वन था ये, केस टू भी है। कहता है ना तो ई एक्स जेड वन है ना ही ई जेड वाई वन है, दोनों ही वन नहीं है। जब दोनों ही वन नहीं है तो बात हो गई सॉल्व, तो इसका मतलब ई एक्स जेड विल बी सेम एज डी एक्स जेड एंड ई जेड वाई विल बी सेम एज डी जेड वाई, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। So therefore, EXY is equal to DXY. अरे ठीक है भाई, तो ये बराबर होंगे तो ये बराबर होगा, तो इसका मतलब अगर ये वाला नहीं समझ आया, not equal वाला। बेटा वन नहीं हो सकता, अब वन उस मिनिमम ऑफ वन और कॉमा डिस्टेंस में से वन हटा दो आप, तो EXY क्या बचा आपका? DXY। हाँ बस वो DXY बच गया ना सिंपल। सिर्फ हम फिर DXY ही केस कंसीडर करेंगे, कुछ और नहीं। हाँ, और कुछ नहीं, वन नहीं हो सकता ना फिर। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ वन कॉमा DXY था, वो कहता वन हो ही नहीं सकता, तो फिर बचा ही DXY। तो ये बराबर हो जाएंगे। सो इन दैट केस DXY विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, EXZ प्लस EZY। यस, क्यों कैसे आया ये? क्योंकि हमें गिवन है DXY छोटा बराबर होता है इससे, DXZ प्लस DZY, और DXZ की जगह लिख दिया मैंने EXZ और DZY की जगह EZY, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पूरी होगी। लेकिन केसेस बनेंगे इसमें, पहला उनमें से कोई, हाँ कोई एक वन है, दूसरे में दोनों ही वन नहीं है, स्फीयर का भी था मेरे पास क्वेश्चन। कहते हैं लेट एस बी ए स्फीयर, एस क्रॉस एस और डी ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अलोंग द ग्रेट सर्कल। जॉइनिंग A and B, A is not equal to B, and zero if A is equal to B. समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। कहते हैं DAB जो भी डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अलोंग द ग्रेट सर्कल, क्या मतलब सर्कल बनाते हैं बस जाएगा, ये स्फीयर है आपका, स्फीयर बन गया भाई, अब बनेगा सर्कल। लाइन खींचो पहले मैं, ये डायमीटर हो गया आपका, व्हाइट कलर से खींच दूंगा मैं, मान लो ये डायमीटर हो गया। अब आपको सर्कल बनाना है, ग्रेट सर्कल, ये ऐसा बनेगा क्या देखना जरा, जैसे एप्पल को बीच में से काट देते हैं तो सर्कल बनता है,
अब स्फीयर पे ए यहां भी हो सकता है आपका ए, बी यहां भी हो सकता है आपका, कहीं भी हो सकता है ना ए बी, तो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द ग्रेट सर्कल जॉइनिंग ए एंड बी, कहते हैं ग्रेट सर्कल पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका, कैसे? अगर वो मार्क कर ले ये ए है, ये बी है, आ सकता है सर ग्रेट सर्कल पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहते ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी चीज डिस्टेंस मतलब जो भी है वो ये डिस्टेंस है, घूम के आएगा जो भी चीज आएगी। तो कहते ग्रेट सर्कल पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है कोई भी। अब ए बी है, मान लो कोई सी पॉइंट लेना है तुम्हें, तो सी पॉइंट तुम यहां लो ना, देखो यहां लो, सी पॉइंट यहां भी हो सकता है, सी पॉइंट यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो सी पॉइंट, यहां भी हो सकता है। तो जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनाओगे तुम लोग, तो इसका मतलब डी ए बी जो होगा वो एस लेस देन इक्वल टू हो सकता है डी ए सी प्लस डी सी बी, हाँ इक्वल टू भी हो सकता है लेस देन भी, क्योंकि अंदर भी तो हो सकता है ना सी, सी कैन बी हेयर ऑल्सो, क्योंकि ये स्फीयर है अब बेटा, स्पेस में बात हो रही है, हाँ तो बाहर भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बात पे फर्क पड़ेगा, बाकी कोई किसी बात पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, यू हैव टू शो एस डी इज अ मैट्रिक स्पेस, ये क्वेश्चन करना। और मैं दोनों के नोट्स भेजता हूँ, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे सूडो मैट्रिक, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है भाई, इतना बहुत है? यस सर। मैं पीडीएफ दोनों भेज रहा हूँ, एक तो अभी भेजी थी मैंने, दूसरी भेज रहा हूँ अभी, ठीक। और मैं रखवाता हूँ, मंडे ट्यूसडे को विवेक सर की क्लास होगी एलजेब्रा की, और न्यूमेरिकल एनालिसिस की भी हो सकती है, जो चीज की लेनी है आप बता देना मुझे। सर इस बार वंदना मैम नहीं लेंगे एलजेब्रा? वंदना मैम की तबीयत बहुत खराब है, वंदना मैम ने सब छोड़ रखा है, सब उनकी बैक प्रॉब्लम है उनकी, वो बैठ नहीं सकती बहुत देर तक। उनकी बहुत प्रॉब्लम हो रखी है बैक में। वैसे तो मैंने उनको डाला था, बोले थे मैं देखूंगी ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी, वरना विवेक सर तो अभी हैं, विवेक सर लेंगे क्लासेस अलजेब्रा की, ठीक है? ठीक है। वीडियो कब तक डलेगी? वीडियो आज बेटा आज डल जाएंगी, मैं दो दिन का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें अपलोड करके ना उस पर डालनी होती है, तो वीडियो सारी साथ साथ आते जाएंगी, सारी पीडीएफ भी साथ साथ आते जाएंगी, और मैं स्टडी मटेरियल भी डाल दूंगा अभी, तो आप वहां से सब उतार सकते हर चीज। हाँ जी बेटा, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो वही छूट गया मेरा। कोई बात नहीं, हाँ मिल जाएगा बेटा तेरे को, टेंशन मत ले, इसीलिए मैंने वीडियो कर दिया बैकअप का, फिर भी मैं बैकअप दूंगा, अभी बच्चे आएंगे अभी तो, और अभी तो पता ही नहीं होगा, कुछ लोग तो अभी सोच रहे होंगे क्या होगा कॉलेज में, नहीं होगा, पर होगा कुछ नहीं, कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, इतना बुरा हाल है बच्चों, क्लासेस में चल रही है बिना टीचर, मतलब सब कुछ बंद है, सिर्फ आवाज से पढ़ रहे हैं बच्चे। सर हमारे तो पहले पीडीएफ भेजते थे, अब इस बार की पता नहीं क्या करेंगे। वो पीडीएफ ही भेजेंगे। यस सर, इस बार भी यही लग रहा है बस। नोट्स आएंगे, नोट्स को रीड किया जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं हमें तो बोला कि गूगल मीट डाउनलोड करो, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसके अंदर, और कल एक कोई वेबिनार भी है कि गूगल मीट पे तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करोगे, उसको अटेंड करो। टीचर्स को हम तुमसे सीखते हैं। उन्होंने वेबिनार कंडक्ट करवाया है, कल अटेंड करना है। आज की जनरेशन को सिखाने की जरूरत है, आज की जनरेशन से सीखने की जरूरत है, क्योंकि टीचर्स पुराने जमाने के हैं। पता नहीं सर वो किस बात के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं अटेंड करो, कैसे क्लास अटेंड होगी, कैसे कैसे क्या होगा, है नहीं? हाँ यही होगा और क्या। गूगल मीट डाउनलोड कर लो, अच्छा है गूगल मीट। वैसे टाटा ने बिल्कुल कॉपी बना दी है जूम की, आने वाली है। गूगल मीट में बड़े लफड़े हैं वैसे तो, पर ठीक है चलो अच्छा है, जो समझ में आ जाए वही अच्छा है यार। चलो भेजता हूँ पीडीएफ बेटा, ठीक है? मेरी क्लास होगी थर्सडे फ्राइडे, विवेक सर की होगी मंडे ट्यूसडे, मतलब इन्हीं में ही टाइम टेबल सेट कर देंगे अभी आपका। मतलब हफ्ते की चार क्लासेस? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
थोड़ा सा कोर्स करा दूं, खींच दूं, कोर्स बहुत बड़ा है आपका। पहले इसी कोर्स के 12 चैप्टर होते थे, उन 12 चैप्टर्स को इन्होंने 5 चैप्टर में कन्वर्ट कर रखा है। अच्छा। हाँ, पहले बुक अलग थी, बुक उस अलग थी तो उसमें 12 चैप्टर्स थे, अब बुक चेंज कर दी तो वो 12 चैप्टर्स का कंटेंट 5 चैप्टर में आ रहा है बेटा वो। ठीक है सर। राव कौन सी बुक है? किसकी बेटा? न्यूमेरिकल और डिस्क्रीट। न्यूमेरिकल डिस्क्रीट की थोड़ा सा पहले एलजेब्रा एनालिसिस शुरू कर दूं बेटा, उसके बाद कर दूं आराम से, है ना? सर वैसे अगर yes, तो नेक्स्ट वीक तक न्यूमेरिकल और डिस्क्रीट की भी कर देना। न्यूमेरिकल तो मैं शायद कल भी करा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, करा दो। न्यूमेरिकल कौन कराएगा? न्यूमेरिकल गौरव सर कराएंगे। दीपक सर नहीं है वो? कुछ दीपक सर भी है, दीपक सर से भी कर सकते हो, गौरव से भी कर सकते हो, जिससे करना है आपको। दीपक सर से करा देंगे। सारे टीचर हैं बेटा, कोई भी टीचर गया नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस वंदना मैम की प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने सब छोड़ दिया, उनकी बैक की प्रॉब्लम है बहुत। ठीक है बेटा।